अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किचन 92। मैं हूँ मेरुकैया। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ऐसे में मन करता है कि हम लोग जूस, शेक, लस्सी, डिज़र्ट खाएं पिएं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, वाटरमेलन की। 4 रेसिपी है, आप एंड तक इस वीडियो को देखिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने छोटे साइज़ का वाटरमेलन लिया था और आधा वाटरमेलन हमने यूज़ किया है। यहाँ पर ये देखिए, बर्फ़ लेनी है थोड़ी सी, और यहाँ पर लेना है हमें लेमन जूस, 1 लेमन जूस, 2 टेबल स्पून चीनी, और 4 पत्ती हमने पुदीने के लिए है। जार में हमने वाटरमेलन डाल दिया है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, 50 ml जितना, और उसमें हम बर्फ़ ऐड कर देंगे। बिल्कुल ठंडा ठंडा सा जूस बना रहे हैं। लेमन जूस ऐड कर देंगे, इसमें चीनी भी डाल देंगे और मिंट भी डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। आपके पास जूसर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ग्राइंडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमने अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा जूस बन गया है। अब हम इसको छान लेंगे स्ट्रेनर में। ये देखिए, इसके जो लम्स हैं और जो बीज हैं, अगर आप बीज के साथ डाल रहे हैं पीसने के लिए जूस बनाने के लिए, तो उसके बीज भी अलग हो जाए। मैंने बीज अलग कर दी थी पहले से ऑलरेडी, तो इसका जो लम्स है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा स्ट्रेनर से, और ये जूस बन के रेडी है, ठंडा ठंडा सा जूस। इसे अब हम सर्व कर लेते हैं ग्लास में। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त सा जूस बन गया है। हम दूसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाटरमेलन शेक बनाने के लिए हमने यहाँ पे वाटरमेलन लिया है, बर्फ ली है, 2 टेबल स्पून चीनी, वनीला आइसक्रीम ली है, और बादाम लिया है थोड़ा सा, और हमने आधा ग्लास दूध लिया है। ये देखिए, सबसे पहले हमने तरबूज डाल दिया जार में, फिर बर्फ़ डाल दी है, उसके बाद हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध को हम आधा बाद में डालेंगे कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद। इसमें हमने चीनी डाल दी है और ये वनीला आइसक्रीम डाल दी है। अब हम इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ज़बरदस्त सा शेक बन गया है। इसे छानने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है। और इस पर हम बादाम स्प्रिंकल कर देंगे, बहुत ही यम बना है, बहुत टेस्टी। आप ज़रूर बनाइए, इसे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। ग्रीन चेरी डाल देंगे जेली। यहाँ पर हमने वाटरमेलन लिया है, अब हम लस्सी बना रहे हैं तो हम यहाँ पर दही लेंगे। ये देखिए, 150 ग्राम दही है, 2 टेबल स्पून चीनी है। वाटरमेलन हमारा मीठा है इसलिए हमने चीनी कम ली है, आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। बर्फ़ ली है यहाँ पर, और यहाँ पर पिस्ता लिया है, वनीला एसेंस भी लिया है। जार में हमने तरबूज डाल दिया, अब उसमें दही डाल देंगे, सारी दही डाल देनी है। वाटरमेलन लस्सी बनके रेडी हो जाएगी। सबसे पहले हम इसमें बर्फ़ डाल देंगे दही के बाद, फिर इसमें चीनी ऐड कर देंगे, और 4 से 5 ड्रॉप हम वनीला एसेंस का डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये देखिए, अच्छी तरह से पीसने के बाद हमारी लस्सी बन गई है। अब हम इस पर पिस्ता स्प्रिंकल कर देंगे और ठंडा ठंडा सा वाटरमेलन लस्सी इंजॉय करेंगे। इसे हम थोड़ा सा सजा लेते हैं, वाटरमेलन का पीस जो है इसके ऊपर लगा देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, परफेक्ट, अब लगेगा ये ज़बरदस्त सा लस्सी, वाटरमेलन लस्सी। नेक्स्ट रेसिपी हम शेयर करते हैं। यहाँ पर हमने वाटरमेलन को बारीक बारीक सा काट लिया है, बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स में। रो अफ़ज़ा लिया है यहाँ पर आधा कटोरी, थोड़े से बादाम लेने हैं कटे हुए, थोड़ा सा पिस्ता कटा हुआ लेना है, 1 नींबू का रस लिया है, 1/2 टीस्पून से भी कम काला नमक, बिल्कुल बारीक हमने बर्फ़ लेनी है, वनीला आइसक्रीम ली है, और ये 2 टेबल स्पून हमने चीनी ली है। सबसे पहले हम वाटरमेलन में चीनी ऐड कर देंगे। ये डिज़र्ट बन रहा है, बहुत ज़बरदस्त सा डिज़र्ट है। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नमक है ये, और ये बारीक बर्फ़ जो हमने अच्छी तरह से बारीक कर ली थी बर्फ़ को, लेमन जूस, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
ये रेडी है ठंडा ठंडा सा वाटरमेलन। उसका टेस्ट अभी से इतना ज़बरदस्त है, बिना कुछ मतलब इसमें अभी आइसक्रीम नहीं ऐड की फिर भी बहुत टेस्टी लग रहा है। देखिए हमने नीचे ग्लास में डाल दिया है, अब चम्मच भर के हम इसमें रॉ ऑब्स्टर डाल देंगे। बहुत ही डिलीशियस डिज़र्ट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने इसमें बादाम छिड़क दिया है और ये पिस्ता डाल दिया है, ये वनीला आइसक्रीम, और फिर से हम इसमें वाटरमेलन डाल देंगे। सारा तरबूज डाल देंगे इसमें, जिसका जूस है वो भी। उसके बाद हम इसमें बची हुई आइसक्रीम डाल देंगे, ये देखिए। फिर इसमें सारा रूह अफ़ज़ा डाल देंगे, हमने आधी कटोरी जितना रूह अफ़ज़ा लिया था। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। मैंने अपने दादू अब्बा को ये वाला दिया था ग्लास डिज़र्ट वाला, बहुत ही अच्छा लगा था उन्हें, बहुत ही ज़बरदस्त, पेट बिल्कुल ठंडा ठंडा और डिलीशियस सा डिज़र्ट। बादाम छिड़क दिया हमने इस पर, ये देखिए, और हम इस पर थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे और एक चेरी रख देंगे ऊपर। ये देखिए हमारे चारों रेसिपी बनके रेडी है। ये वाटरमेलन शेक, वाटरमेलन जूस, वाटरमेलन लस्सी और वाटरमेलन डिज़र्ट। आपको जो भी पसंद आया हो आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए अपने घर में। बहुत इजी सा इंग्रेडिएंट है जो आपको आसानी से मिल जाएगा। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। अगली रेसिपी मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।